मध्य प्रदेश में हुआ सीधी पेशाब कांड, शिवराज सिंह चौहान सरकार की मुश्किलें इसमें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस इस मामले में चुनाव के नतीजे लाना चाहती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन शायद काम नहीं चल रहा, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ तमाम आदिवासी संगठन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। क्या है पूरा मामला, आज इसी पर बात करेंगे। परिवार को उसमें बीच में घसीटा ना जाए, हम लोग को बेघर न किया जाए। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसको न दूध की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, पूरे परिवार हम लोग 4 बजे हम लोग लौट के आए, इतनी बड़ी जाति। नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दशमत रावत, ये नाम पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, क्योंकि यही वो पीड़ित हैं जिसके साथ घटना घटी थी। हालांकि पीड़ित व्यक्ति से सीएम ने मुलाकात की, माफी मांगी, पैर धोए, तिलक किया और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, आर्थिक सहायता भी उन्हें मुहैया करवाई गई। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस घटना ने मध्य प्रदेश को दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। हालांकि पीड़ित का कहना है कि जो हो गया वो हो गया, अब सब कुछ भूल जाने में ही भलाई है। पहले एक बार पीड़ित दशमत रावत को सुनिए, उनका क्या कहना है। दशमत भैया, ये बताइए क्या कुछ अभी आप आए मुख्यमंत्री से मिले, क्या कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे मंत्री ने हमें फोन लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर जी, और कुछ नहीं कहना है। दशमत भी ये बताइए कि उस रोज क्या हुआ था आपके साथ और क्यों उस व्यक्ति ने आपके ऊपर पेशाब की थी? क्या बताएं सर, कुछ नहीं हुआ, जो हो गया तो हो गया सर। ये घटना वाकई में शर्मसार करने वाली थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बात यह भी सच है कि मामले के संज्ञान में आते ही सरकार ने कार्रवाई शुरू की, आरोपी की गिरफ्तारी की गई, आरोपी पर NSA लगाया गया और उसके घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आती, सुनिए कांग्रेसी नेता कमलनाथ का क्या कहना है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे? ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। कांग्रेस और कमलनाथ इस घटना में अवसर तलाश रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस घटना से ही वो शिवराज सरकार की जड़ों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। घटना वाकई में अमानवीय है, लेकिन घटना में वोट बटोरना क्या ठीक काम है? वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठन भी शिवराज सिंह चौहान के माफी मांगने के बाद भी उन्हें घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और आरोपी को फांसी पर लटका देने की मांग पर ये संगठन अड़े हुए हैं। आदिवासी संगठनों की नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का माफी मांगना काफी नहीं है? आरोपी पर NSA लगा देना काफी नहीं है? क्या आरोपी के घर को गिरा देना काफी नहीं है? लेकिन हालांकि घटना मानवीय थी, इस बात को सब मानते हैं, मैं खुद मानता हूं, लेकिन माफीनामा भी कोई चीज होती है। सरकार ने पीड़ित को आर्थिक मदद भी दी है, बावजूद इसके भी सरकार के खिलाफ चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार आरोपी की पत्नी और पिता को भी सुनिए, उनका क्या कहना है, क्योंकि आरोपी ने आरोप किया है वो ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सजा आरोपी को मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी 3 साल की बच्ची का क्या कसूर है, उसके पिता का क्या कसूर है, उसकी माँ का क्या कसूर है? सुनिए एक बार उनके पिता और पत्नी क्या कहते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती इस सब चीजों के बारे में, लेकिन परिवार को उसमें बीच में घसीटा ना जाए, हम लोग को बेघर न किया जाए। मेरी छोटी सी बच्ची है, हम उसमें मेरा दोष क्या है ये बताइए, परिवार वालों का क्या दोष है?
आप लोगों को थाने लेके गए? हाँ गए थे। कितने बजे लेके गए थे, कब छोड़े उसने? 8-8 के बीच में ऐसे लेके गए हैं, और हाँ 3 बजे हम लोग आए हैं, 3:30 उनके बीच में। अच्छा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि घर पर बुलडोजर चलेगा, इसमें आप क्या कहेंगे? सर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जुर्म तो वो किया है, अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है, और वो अपना छान भी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्यों जाएं? हम लोग घर बिन कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटी सी बच्ची लेके कहाँ जाएंगे? ये बताइए आप। वीडियो वायरल हुआ है एक उस पर सोशल मीडिया पे। अब वो जब वीडियो जारी हुआ तो हमारे यहाँ घर में पुलिस आई, इतनी फोर्स आई जैसे कि हम मतलब कितना बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, महिलाओं को घर से पकड़ के निकाल दिया गया, हम भाइयों को लेके थाने चले गए, घर से महिलाओं को निकाल के पूरे अंदर तलाशी लिए। हमारी मैडम का अभी भी हमारे मैडम का वो शिक्षिका है, उनका पूरा उस पर विभाग का व्हाट्सएप पर वो चलता है, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम। आज भी पुलिस के हैंड ओवर में हमारा मोबाइल, हमारे मैडम का मोबाइल नहीं दिए, और महिलाओं के साथ जाति के 2.5-3 साल की बच्ची थी उसको भी नहीं छोड़े और थाने पे ले गए। हमारी वो छोटी सी बच्ची दूध की बाहर मर रही थी, उसको ना दूध की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, पूरे परिवार हम लोग 4 बजे हम लोग लौट के आए। इतनी बड़ी जाति, क्या इतना बड़ा अपराध किया? और वो आप लोगों के सामने वो जरूर आएगा मैटर, वो जो प्रताड़िता है, जिसको बाथरूम का वो मैटर दिखा रहे हैं, वो डिनाइड कर रहा है कि हमारा वीडियो नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा नहीं किया गया है, ये झूठा है। ये दीनदयाल और आदर्श शुक्ला हमारे घर गए थे, बोले कि तुमको पैसा मिलेगा, हम लोग पैसा देंगे, तुम प्रवेश शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ कि हमारे ऊपर बाथरूम की, हमारा ही वीडियो है, लेकिन वो नहीं कह रहा है। अब यह कि पुलिस कैसे उसको पेश करती है ये भगवान जाने, लेकिन सत्यता यह है कि वो डिनाइड कर रहा है। और मैं भी ये भी कहता हूँ, पिता होने के नाते मैं पितृमोह की बात नहीं कर रहा हूँ सर, न्याय की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा उसका जांच होनी चाहिए, अगर सत्यता है तो उसको फांसी दे दी जाए। हम पितृमोह में नहीं है कि अगर हमारा लड़का ऐसा किया है, लेकिन जांच होनी चाहिए, उस वीडियो की बारीकी से जांच होनी चाहिए। आरोपी के पिता का कहना है कि 3 साल की बच्ची को भी थाने ले गए, वो दूध के लिए रोती रही लेकिन उसे दूध नहीं मिला। पिता का कहना है कि मामले की जांच की जाए और अगर बेटा आरोपी है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि आरोपी को सजा मिले, लेकिन मामले में राजनीतिक लाभ लेने वालों को सोचना चाहिए कि आरोपी का भी एक परिवार है जिसे इस घटना के लिए कतई भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आरोपी को सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। अब आप जाते जाते सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द पीड़ा और व्यथा से भर गया, इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया, और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान, मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहाँ बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी
उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति, हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने, एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है।